हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड ईयर फिजिक्स में सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो एग्ज़ाम में वही एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं फिजिक्स में, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। कौन कौन से वो एग्ज़ाम्स में टॉपिक है जिनको आप अगर तैयार कर लें अभी भी तो आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर बार आते हैं, उनको हम आज यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप ऐसी और वीडियोज़ चाहते हैं, आप ऐसी फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स के बीएससी में वीडियोज़ चाहते हैं या फिर 10th 12th में वीडियोज़ चाहते हैं, तो हमारे चैनल को आप जो नीचे सब्सक्राइब बटन है उस पर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हर आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं, तो सबसे पहला है जो आपको तैयार करना है वो हमारा यंग ऑप्टिक्स से है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो इसे आप पूरा तैयार कर लीजिएगा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इसमें आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। लॉन्ग में आ सकता है क्वेश्चन, कभी कभी शॉर्ट में भी दे देते हैं, तो यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला मैं आपको बता रहे हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो इसमें आपका सब कुछ पूछेगा। कॉन्स्ट्रक्शन जिसमें आपको सर्किट जिसमें आपको डायग्राम फिगर मतलब बनाना पड़ेगा, और जिसमें आपको पूरा थ्योरी लिखनी पड़ेगी, वर्किंग प्रोसीजर सब कुछ लिखना पड़ेगा, डेरिवेशन भी इसका करना पड़ेगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के इसमें आपको पूरा कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो आपका यहाँ पर है इंटरफेरेंस इन वेज शिफ्ट फिल्म। वैसे तो इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इंटरफेरेंस इन वेज शिफ्ट फिल्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पूरा यहाँ पर डेरिवेशन भी करना पड़ेगा वेज शिफ्ट फिल्म के लिए, इंटरफेरेंस इन वेज शिफ्ट फिल्म, ठीक है, इंटरफेरेंस इन वेज शेप्ड फिल्म। तो ये जो क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं काफ़ी स्कोरिंग वाले क्वेश्चन हैं, ये आपके लॉन्ग में आते हैं, तो ये भी हम आपको डाउट क्लियर करते हैं। ये 90% चांस है, ये जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं 10 टॉपिक्स आज बताएंगे, टॉपिक्स एक्चुअल में नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन डायरेक्ट में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर आपको नहीं लगता तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, जाके आपको पता चल जाएगा। तो इंटरफेरेंस इन वेज शेप्ड फिल्म। उसके बाद हमारा जो थर्ड है वो हमारा फ्रेशनल बाईप्रिज्म। तो हाँ, फ्रेशनल बाईप्रिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेशनल बाईप्रिज्म। तो इसका डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस मतलब इसमें आपको लॉन्ग में सब कुछ एक्सप्लेन करने का। इसका डायग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर अगर आप कहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में तो आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताएंगे जिससे आप इसका डायग्राम ईजिली बना लें, क्योंकि एक्चुअल में बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट डायग्राम है। वहाँ पर आप अगर देखे होंगे इसका डायग्राम, तो वो बनाने में थोड़ा सा एक दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी उसमें कोई दिक्कत नहीं, बाकी बहुत ईजी है। फ्रेशनल बाईप्रिज्म बहुत ईजी है, इसको आप तैयार कर सकते हैं लॉग में। इसमें आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा, उसी तरह से वर्किंग प्रोसीजर डायग्राम सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा फ्रेशनल बाईप्रिज्म के केस में। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है माइकलसन मोडल एक्सपेरिमेंट, माइकलसन मोडल एक्सपेरिमेंट, तो इसको आप लिख सकते हैं। बाकी ये वाला जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, ये जहाँ तक शॉर्ट में आ सकता है माइकलसन मोरली एक्सपेरिमेंट, ये शायद शॉर्ट में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। माइकलसन मोरली एक्सपेरिमेंट ये शॉर्ट में आ सकता है आपका क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पर वो है न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है माना न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। अब इसमें भी दो चीज़ें हैं, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड लाइट या ट्रांसमिटेड लाइट, तो दोनों के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा क्योंकि आ सकता है दोनों के लिए। तो न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट ये आपके 5 टॉपिक्स हो गए। उसके बाद जो हमारे पास जो 6th नंबर का जो टॉपिक है वो है फैब्री पेरॉड इंटरफेरोमीटर। तो ये इंटरफेरोमीटर में हम आ गए फैब्री पेरॉड इंटरफेरोमीटर। तो फैब्री पेरॉड इंटरफेरोमीटर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप जरूर तैयार कर लेना 7। तो इतने कम वीडियोस में हम आपको इतने कम छोटे वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं, तो प्लीज़ हर चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर लेना, आपको ऐसी और वीडियोस मिलती रहेंगे, ठीक है। तो इतने कम टाइम में हम आपको सब चीज़ें बता रहे हैं, और ये एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपको ना मिले हम इसलिए आपको बता रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और भी अगर आपको मैथ्स में चाहिए केमिस्ट्री में चाहिए तो उसके भी आप नीचे बता सकते हैं। फिजिक्स में हमें आपकी अभी आपको इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे, इसमें और बताएंगे क्योंकि इतने में अभी कवर नहीं हुआ, शायद इसका पार्ट 2 या पार्ट 3 भी बनाना पड़ जाए। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि सभी तक वीडियोज़ पहुँच सके, ठीक है। फिर हमारा जो 7th नंबर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा निकोल प्रिज्म है, या फिर आप सिंपली इसको कह सकते हैं निकोल प्रिज्म, जो भी आप कहें निकोल प्रिज्म। 10 टॉपिक्स हमें बताने हैं, निकोल प्रिज्म हो गया। फिर आपका यहाँ पे पोलराइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस, जो हम यहाँ पे क्वांटम में चले गए हैं, ठीक है,
तो क्वांटम में भी अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो अभी हमने आपको नहीं बताए हैं, तो इसका पार्ट टू में हम आपको बताएंगे। एक टॉपिक बता दिया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको हम आपको बताने, सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं एक दो, सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर लास्ट है हमारा रेले रिफ्रैक्टोमीटर, रेले रिफ्रैक्टोमीटर, तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, ये सभी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, अगर आप सेमेस्टर वाइज है तभी भी आपके जिस भी सेमेस्टर में ये है उसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ईयर वाइज है तो बीसी सेकंड ईयर में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आपको 10 टॉपिक्स हमने आपको इस वीडियो में बता दिया फिजिक्स में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट, ये सभी टॉपिक्स डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो इसको आपको पूरा लिखना पड़ेगा। और ज़्यादातर इसमें सभी 10 टॉपिक्स में सिर्फ अगर माइकलसन मुरली को छोड़ दे तो सभी टॉपिक्स ज़्यादातर लॉन्ग में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आप इसको तैयार कर लेते तो आपको काफ़ी गेनिंग रहेगा, ठीक है, मार्क्स, ठीक है, तो आपको गेन कर सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स। तो आई होप का वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को पहले तो आपको शेयर करना पड़ेगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे आपको और वीडियोस मिलेंगी। और ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट टू के साथ। थैंक यू सो मच।